मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिक हरियाली में। आज हम आपको दिखा रहे हैं चंदन की खेती के बारे में। ये हमारे पास जो चंदन का पेड़ देख रहे हैं, ये हमारे पास लगा हुआ चंदन का पेड़ है। इसकी हाइट करीबन करीबन 15 फीट हो चुकी है और ये 2.5-3 साल का पौधा है। तो सबसे पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और चंदन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे हम। देखिए, ये हमारे पास चंदन का प्लांट्स है जो कि 2.5 साल का हो चुका है। तो चंदन के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं, तो आप देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जो चंदन का पेड़ है, ये हमने 2.5 साल पहले लगाया था और इसकी हाइट कम से कम 12-15 फीट के करीबन है और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है हरियाणा में। और ये देखिए, इसके साथ में इसका तना भी आप देख सकते हैं कितना मोटा हो चुका है। करीबन 2 इंच का इसका तना है, वो मोटा हो चुका है और ये आसानी से बन जाता है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और इसके पर पौधे की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। ये 12-15 साल में हमारे हरियाणा में जेन्युइन में 12-15 साल में तैयार हो जाता है। ये हमने चंदन के प्लांट्स अभी जो लगने हमारे फील्ड में वो भी हैं, अगर किसी भाई को ज़रूरत हो तो वो भी ले सकता है। तो ये बताते हैं कि एक चंदन का प्लांट्स अगर हम आज लगाते हैं और हमारा बच्चा छोटा है, यानी 1-2 साल का बच्चा जिसने जन्म लिया है और उसके जन्मदिन पर अगर एक पौधा लगा देते हैं, तो वो पूरे एजुकेशन का खर्चा उसका जब तक वो तैयार होगा तब तक उठा सकता है। और वैसे नॉर्मल लगा देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चंदन पे सांप आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंदन पे सांप कुछ भी नहीं लगता, तो ये सब वहम की बातें हैं। क्योंकि मैंने लगा रखा है, आपने दिखाया वो मेरे ही घर पे लगा हुआ चंदन का प्लांट सब। ये देखिए, चंदन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है इसका। और चंदन लगाते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी हो उसकी गाइडलाइन हम आपको दे देंगे। चंदन का प्लांट्स की कीमत कम से कम 12-13 हज़ार रुपये किलो मार्केट रेट फ़िलहाल का है। तो ये आप लगाएं और समृद्ध किसान बने, क्योंकि जो हम परंपरागत खेती करते हैं उसके अंदर वो बेनिफिट नहीं है। और अगर आप चाहें, आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो आपके खेत के चारों तरफ भी लगा सकते हैं और बीच में खेती भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप रख सकते हैं। तो उस परंपरागत खेती भी कर सकते हैं साथ साथ में, और इसमें फसल लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हम लगाएंगे, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि इस चंदन को कैसे लगाया जाता है, कितनी डिस्टेंस पे लगाया जाता है। तो ये 1 एकड़ में 220 पौधे आराम से लग जाते हैं। और इसके साथ में जो होस्ट प्लांट होता है वो मैं आपको दिखा दूँ, होस्ट प्लांट कैसा होता है। इसका होस्ट होता है जो इसको भोजन देता है, उसे बोलते हैं कैजुरीना। तो ये देखिए, ये कैजुरीना का पौधा है जो इसके पास ही लगता है। ये इसको होस्ट के काम करता है, यानी कि इसको खुराक देता है और इसके साथ ही रहता है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसको पूरी डिटेल खेत में कैसे लगाते हैं वो वीडियो अगली वीडियो में लेके आ रहे हैं जल्द ही हमारे खुद के फील्ड में। क्योंकि हम जो दिखाते हैं वो प्रैक्टिकली अपने खुद के फील्ड में ही दिखाते हैं। तो ये देखिए, चंदन का पेड़ जो प्लांट्स हैं वो हैं, कितने सुंदर हैं। तो अगर आपको चंदन के प्लांट्स चाहिए तो हमसे, अगर ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो आप एडवांस भी बुकिंग करवा सकते हैं, और अगर नॉर्मली चाहिए तो हम वो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं हर समय। तो ये मंगवाने के लिए या इसकी खेती कैसे करते हैं इसके जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमें कॉल करके भी पता कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम रहेगा 9 से शाम को 4 बजे तक के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं। और एक हमारा दूसरा YouTube चैनल है अशोक कसैड़ी एंड क्लोज स्टोर, उस पर भी आप सूटों से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो तो उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वो भी हमारा दूसरा YouTube चैनल है। और इस चैनल पे हम खेती बाड़ी से संबंधित आपको सभी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लांट लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।